तो फाइनली दोस्तों आने वाले टाइम में कैसे बनने जा रही है अब तक की सबसे इनुक, सबसे एडकर और सबसे एक्शन फिल्म, जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े इतिहास और रचयिता सभी के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, जिन्होंने पूरी दुनिया के कोनों कोनों में अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की आन व शान बहुत ही हैंडसम सलमान खान और बॉलीवुड के एक्शन और रोमांस किंग शाहरुख खान और लगान पी के दंगल जैसी मूवी करने वाले सुपरस्टार आमिर खान की। इन तीनों को एक साथ एक फिल्म में लाकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्शन मूवी बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो कौन है वो डायरेक्टर जो आमिर खान के साथ तो पहले काम कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या खबर है? बात करेंगे इस बारे में, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दोस्तों साउथ हिस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर जिन्होंने आमिर खान के साथ गजनी जैसी हिस्टोरिकल फिल्म बनाई थी, एआर मुर्गु दोस्त इस बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट की ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, इन्होंने सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के साथ एक मीटिंग की, जिसमें इन्होंने फिल्म की स्टोरी सुनाई और तीनों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई। और शाहरुख खान जवान और डंकी के बाद सलमान खान टाइगर 3 के बाद, जो कि 2023 की सबसे एक्शन फिल्म है, और एआर मुर्गु दोस्त के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि अभी फिल्म को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों धुआं वही उड़ता है जहां आग होती है, और इसलिए खबरों का बाजार बहुत गर्म है। रोमांस यहाँ तक है, ये फिल्म अब तक की सबसे हटकर यूनिक और एक्शन के साथ आने वाली फिल्म होगी। तो दोस्तों ऐसे में बॉलीवुड के सबसे बड़े 3 लेजेंड, जिनकी दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया भर में मशहूर है, ये एक साथ एक फिल्म में नजर आते हैं, तो ये फिल्म कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जोड़ सकती है। और दोस्तों आप इन तीनों को एक फिल्म में एक साथ देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।